तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं बाल गोविंद भगत, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है, जिसके राइटर राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो दोस्तों चलिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुरी नामक गाँव में हुआ सन 1899 में। बचपन में उनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनकी मौसी ने उनकी देखभाल की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उन्हें अनेक अभाव कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने 10वीं तक ही शिक्षा प्राप्त की। सन 1920 में गांधी जी के राष्ट्र स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। छोटी सी आयु में उन्होंने लिखने का कार्य शुरू कर दिया। 15 वर्ष की आयु में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। उन्होंने कई तरह की रचनाएं लिखी, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा आदि प्रचलित है। सन 1968 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी को हमारे क्षितिज के बुक में क्यों रखा गया है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप जरूर कहेंगे, हाँ ये कहानी डिफरेंट है और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मानवता, लोक संस्कृति यानी हमारी सोसाइटी में जो नॉन सेंट लोग हैं, सामूहिक चेतना पर प्रहार किया है। लेखक के अनुसार कोई भी इंसान अंदर के गुणों से सन्यासी हो सकता है, ना कि बाहरी वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठान आदि करने से। तो लेखक ने बाल गोविंद भगत को उनके मानवीय गुणों से उन्हें सन्यासी कहा है। साथ ही साथ समाज में व्याप्त जाति वर्ग भेद, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जैसे सामाजिक विसंगतियों और रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया है। अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो आइए मैं आपको बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व और वेशभूषा बताती चलूं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मझोले कद यानी मीडियम हाइट, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते। जटाजूट यानी लंबे बाल जो साधु लोग रखते हैं, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोट मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफट्टी टोपी। कबीर पंथियों किसे बोलते हैं? कबीर के फॉलोअर्स को। जब जारा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, और लोग जो सिंदूर लगाती है ना, वैसे ही। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते, यानी कि ओके लकड़ी जैसा ही माला होता है, वो हमेशा बांधे रहते। तो दोस्तों अब आप लोग ऊपरी तस्वीर पर कहेंगे कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो गृहस्थ थे। फिर लेखक कहते हैं कि मैंने उनकी गृहिणी यानी वाइफ को तो नहीं देखा, पर उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। पतोहू यानी बहू। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। लेखक यहाँ पर बाल गोविंद भगत को साधु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि साधु की सब परिभाषाओं पर वह खड़े उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे उसे इस्तेमाल करते। कभी कभी इन नियमों को इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों में कुतूहल होता। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते, यानी कि पॉटी के लिए। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब यहाँ पर कौन है? कबीर। तो उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता, सिर पर लादकर उन्हें साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ पर दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता था, और प्रसाद रूप में उन्हें जो भी मिलता
वो उसे ही घर लाते और उसी से गुजारा करते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। सबके अलावा बाल गोविंद भगत गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। अब लेखक ने आसाद के दिनों के बारे में बताया है। आसाद की रिमझिम है, समुच्चा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर खड़ी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर सुनाई देगी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लिपटे अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। तो बाल गोविंद भगत का संगीत सुनते ही बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वो गुनगुनाने लगती हैं। हलवा हो यानी कि जो हल चलाने वाले होते हैं, उनके पैर दाल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत का है ये जादू। तो दोस्तों, आषाढ़ और भादो दोनों ही वर्षा के मौसम होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज थी, बिजली की तरफ थी, झिल्ली की झंकार। झिल्ली जो है वो वर्षा के दिनों में निकलती है और एक प्रकार की आवाज़ निकालती है, और मेढकों की टरटर थी। इसके बावजूद भी बाल गोविंद भगत का संगीत नहीं रुका और ना ही इनके कोलाहल में डूब सका। उनकी खजरी, खजरी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, वो अपनी खजरी को डिमक डिमक बजा रहे हैं और गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना। ये एक प्रकार का लोकगीत है जो बाल गोविंद भगत गा रहे हैं। इसका मीनिंग है, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चिहुक उठती है। उसी आधी रात में बाल गोविंद भगत का गाना सबको बिजली की तरह चौंका देता है। फिर बाल गोविंद भगत एक और लोकगीत गाते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तो ये थी बाल गोविंद भगत की, भादो की डेली रूटीन। तो चलिए अब मैं आपको बाल गोविंद भगत की कार्तिक और फागुन की डेली रूटीन बताती हूँ। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की अर्ली मॉर्निंग सॉन्ग्स शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते और नदी स्नान को चले जाते, जो गांव से 2 मील दूर पर था। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे यानी पत्थर पर अपनी खजरी, एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या हारमोनियम लेकर जा बैठते और गाना गाने लगते। लेखक शुरू से ही देर तक सोने वाले हैं। वैसे आप लोग भी देर तक सोते होंगे, है ना? और अगर नहीं सोते तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं, नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अपने कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन माघ की वह दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। उस दिन खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुख काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह के शब्दों का टाटा लगा था। उनकी उंगलियां खजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं चारे से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। बाल गोविंद भगत बिल्कुल मग्न थे। गर्मियों की छांव में भी वे अपने घर में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजरियों और करतालों की भरमार हो जाती।
एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से बड़ा मजा आता, ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। बाल गोविंद भगत इतने मग्न हो जाते कि पता है वो क्या करते, वो उठकर नाचने लग जाते थे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते, सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत था। ये थी गर्मियों के दिनों की बातें। तो ऐसे ही गर्मियों के मौसम बीत जाते हैं, फिर पता है क्या होता है, बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मर जाता है। तो इस स्टैंजा में आपको पता चलेगा प्रेम और मोह में अंतर क्या होता है। वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, बोधा यानी कम बुद्धि वाला, किंतु इसी वजह से बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनके अकॉर्डिंग ऐसे लोगों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और उन्हें ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। उन्होंने उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से कराई थी, उनकी बहू भी बहुत ही सुभग और सुशील मिली थी। वह घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को भी दुनियादारी की सीख देती थी। पर जब उनका बेटा बीमार पड़ता है तो इसकी खबर किसी को नहीं लगती, लोगों को इसकी फुर्सत कहाँ कि वो किसी की खबर रख सके। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच ही लेती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। पता है बाल गोविंद भगत की बेटे की मृत्यु पर उनका क्या स्वभाव था? उन्होंने अपने बेटे को एक आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढका रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, और कोई ऐसी वैसी गीत नहीं, बहुत ही मधुर गीत गा रहे थे। इनफैक्ट उस टाइम वो बहुत ज़्यादा ही मधुर गीत गा रहे थे। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी आ जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अब आप कहेंगे कि ये इंसान पागल तो नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या है। लेखक कभी कभी सोचते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु ऐसा नहीं है, ये उनका विश्वास बोल रहा होता है, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। फिर आपको अगले स्टैंजा में पता चलेगा कि बाल गोविंद भगत जो है वो सामाजिक मान्यताओं को मानने वाले नहीं थे, बेटे के क्रियाक्रम में भी तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई। पर ऐसा नहीं होता है, पर उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्हें सामाजिक मान्यताओं पर विश्वास नहीं था। जैसे ही श्राद्ध की अवधि खत्म हो गई, उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और उसे आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा। उसे भरोसा था कि बाल गोविंद भगत सबके लिए गीत गाते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर उनका कोई उतना ख्याल नहीं रखेगा जितना कि वह रखती आई है। मतलब उसे उनकी बहुत चिंता होती है, वो नहीं जाना चाहती उन्हें छोड़कर। पर बाल गोविंद भगत जो है वो कहते हैं कि उसकी अभी आयु ही कितनी है, वो अभी बहुत छोटी है, उसने अपने इतने छोटे से उम्र में अपने पति को खो दिया है, तो वह अपनी बाकी की ज़िंदगी कैसे अकेले गुजारेगी। वो उसे बोलते हैं जाने के लिए, पर वह उनका पैर पकड़ने लगती है और वह उनसे दूर नहीं जाना चाहती, उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। पर बाल गोविंद भगत इसके बावजूद भी अपने निर्णय पर अटल रहते हैं। वह कहते हैं, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यही उनकी आखिरी दलील थी और इसके आगे बेचारी को हार मानना पड़ा, वह अपने भाई के साथ चली जाती है। अब मैं आपको बाल गोविंद भगत की दिनचर्या बताती हूँ। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल लेने का क्या हक, संबल यानी सहारा, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, इसलिए घर से खाकर चलते और घर लौटकर ही खाते, रास्ते भर खजरी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते,
4-5 दिन आने जाने में लगता, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु वही जवानी वाले टैलेंट्स। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु वह व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन चीखने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे टागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, उन्होंने सोचा क्या बात है। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है।